इंदौर का मिल्खा सिंह 96 सालों में पहली बार किसी धावक ने किया ऐसा कारनामा। आज हम 21 साल के ऐसे अल्ट्रा रनर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके पास ना तो दौड़ने के लिए पैरों में सही जूते थे, ना ही एक धावक की हैसियत से पर्याप्त डाइट। हालात ऐसे कि पैरों में छाले पड़े होने के बावजूद उसने दौड़ना बंद नहीं किया और उसकी इस कड़ी तपस्या का फल उसे विश्व की सबसे पुरानी मैराथन में से एक में पदक जीतने का मौका मिला। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले वह 96 सालों में पहले शहर के इकलौते धावक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए कॉमरेड मैराथन में पदक हासिल करने वाले इंदौर मध्य प्रदेश के कार्तिक जोशी की, जिनके जुनून के आगे 84 देशों के 20,000 से अधिक धावक फीके साबित हुए। जी तो कार्तिक की इस पूरी कारनामे को जानने से पहले, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर के अल्ट्रा मैराथन रनर कार्तिक जोशी ने दक्षिण अफ्रीका की 96 वर्ष पुरानी कॉमरेड मैराथन में सिल्वर मेडल हासिल कर कीर्तिमान रच दिया है। डरबन में हुई 88 किलोमीटर की यह मैराथन कार्तिक जोशी ने 7 घंटे 26 मिनट में पूरी की है। कॉमरेड मैराथन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने 7.5 घंटे से कम समय में यह सफलता अपने नाम की है। इस वर्ष भारत से 405 रनर मैराथन में शामिल हुए थे जिनमें 5 इंदौर के थे। दरअसल यह दौड़ भारतीय समय अनुसार 11 जून को सुबह 9 बजे शुरू हुई जिसमें भारत से 405 धावकों ने भाग लिया। इसमें कार्तिक जोशी भी शामिल थे जिन्होंने 12 घंटे की दौड़ को महज 8 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया। इसी के साथ उन्होंने 88 किलोमीटर दौड़ में एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया और वह लगातार दूसरी बार भारत के सबसे तेज धावक भी बने। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और पिछले 3 महीने के दौरान भीषण गर्मी और पहाड़ी इलाकों में लगातार अभ्यास किया और इस दौरान उन्होंने लगभग 3000 किलोमीटर सिर्फ अभ्यास के लिए दौड़ लगाई। बेशक अपनी इस उपलब्धि के जरिए कार्तिक ने इंदौर शहर के साथ साथ मध्य प्रदेश और देश का नाम भी गर्व से ऊंचा किया है। कार्तिक अब तक देश के 15 राज्यों में 115 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, वह 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके पहले उन्होंने अपनी सबसे लंबी 270 किलोमीटर की दौड़ केवल 41 घंटे में पूरी की थी। इसके अलावा कार्तिक जोशी इंदौर से भोपाल के बीच 200 किलोमीटर की दौड़ भी लगा चुके हैं। कार्तिक देश की करीब 1 दर्जन बड़ी मैराथन्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। वहीं संघर्ष करते हुए उनके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आईं जब रेस के लिए बाहर जाने पर कार्तिक के पास होटल में रुकने के पैसे भी नहीं होते थे। उन्होंने स्टेशन पर सोकर और ब्रेड अचार खाकर अपनी भूख मिटाई। चलिए चलते चलते आपको कार्तिक की कुछ बेमिसाल उपलब्धियां भी बताते चलते हैं। वह 270 किलोमीटर 41 घंटे में, हरियाणा में 262 किलोमीटर 39 आवर्स में, गुड़गांव में 250 किलोमीटर, बेंगलुरु में 220 किलोमीटर, कर्नाटक में 203 किलोमीटर, दिल्ली में 200 किलोमीटर और इंदौर से भोपाल के बीच लगभग 200 किलोमीटर की दौड़ अब तक पूरी कर चुके हैं। कार्तिक जोशी की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें TripleDotCom के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।